Allow the flow of positive energy to enter into all aspects of your life. Stability into your relationships. Prosperity into your business. And peace into your home. Balance the five elements of nature. Follow the principles of Vastu Shastra. Visit divinevastu.net. Reva Kumar, your Vastu Shastra specialist. जी हाँ, सही दिशा में जीना तो आप सभी को पसंद है और इसीलिए हमेशा हमेशा आप जुड़ना चाहते हैं डिवाइन वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार के साथ। वो ना केवल बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और बहुत ही एजुकेटेड वास्तु कंसल्टेंट है, बट शी हैज सम अमेजिंग अमेजिंग पावर्स, और इसीलिए तो ये जब भी कहीं पे भी विजिट पे जाते हैं देन शी कैन एक्चुअली सेंस द हिडन वास्तु, और इसी तरह से शी कैन गिव यू अ 360 डिग्री राउंड अ व्यू ऑफ योर वास्तु नीड्स एंड देन और क्या, बस सही दिशा में चलिए और जिंदगी में सुख और शांति पाइए। तो चलिए आपको यही बता दूं कि अगर आप अभी के अभी रेवा जी के साथ बातें करना चाहते हैं ऑन एयर, तो आपके लिए स्टूडियो लाइन्स विल बी ओपन राइट इन अ बिट। 5107701550 है हमारा नंबर, पर अगर आप रेवा जी के साथ एक पर्सनल अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उनका वेबसाइट चेक कर लीजिए divinevastu.net, या फिर आप उन्हें कॉल कर सकते हैं 5108683338 एंड यू कैन फिक्स एन अपॉइंटमेंट विद द डिवाइन वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार। तो चलिए रेवा जी को वेलकम करते हैं, उन्हीं के शो है कॉफी टाइम वास्तु विद रेवा जी। रेवा जी, वेलकम टू योर सेगमेंट, कैसे हैं आप? रिनी टिकुंग, गुड मॉर्निंग रिनी, और हमारे सभी लिसनर्स आपको भी मेरा प्यारा प्यारा मीठा मीठा गुड मॉर्निंग। हॉलीडेज का मूड तो सबका बन चुका है। जी हाँ, ये हाँ जी एकदम। मेरी हॉलीडेज है जो है वो तो यही है कि अपने सभी लिसनर्स के साथ ही हैं। लिसनर्स के साथ हॉलीडेज मूड के रोज का ही मैं बना लेती हूँ, जब डेली मेरे को उनकी अच्छी अच्छी मुस्कुराहट मिलती है, उनकी अच्छा अच्छा फीडबैक मिलता है कि दे आर डूइंग गुड, तो आप ये सोच लीजिए कि मुझे जो वो आधा घंटा एक घंटा मिलता है वो मेरा पूरा हॉलीडे मूड हो जाता है उस समय। फिर दैट इज सो ट्रू रेवा जी। वेल आज ना कुछ भारी भरकम हम बातें करने वाले हैं, पर उन बातों को करने से पहले हमारे साथ बहुत सारे लिसनर जुड़ चुके हैं, तो क्यों ना एक कॉल हम ले लें, क्योंकि बहुत देर से हमारे लिए वेट कर रहे हैं मिस विद्या एंड शी हैज सम वंडरफुल थिंग्स टू से अबाउट यू। मैं खुद को रोक नहीं सकती, पहले उनको मैं आपके सामने लेके आना चाहती हूँ, इजाजत है? जी हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं भी जरूर चाहूंगी कि वो मीठा मीठा है या भारी बर्तम है। जी हाँ, तो विद्या, यस यू आर लाइव ऑन एयर। विद्या फ्रॉम प्लेजेंटन। आई हैव एवरीथिंग इन लाइफ, अ ब्यूटिफुल फैमिली, होम, जॉब, लविंग हस्बैंड, एवरीथिंग, बट इट वॉज ऑलवेज हेक्टिक, स्ट्रेसफुल एंड समटाइम्स केओटिक। देर इज अ प्रेशर टू गेट थिंग्स डन, टेंशन ऑल द टाइम, वी हैव माइनर हेल्थ प्रॉब्लम्स, what not, like any other family in Bay Area. But after listening to Reva Ji on the radio show, I wanted to give her a try. We called her and we received all the powerful products that she suggested. And after that, the only thing I can tell is that my life became the best I've always dreamt of. Wow. There's more peace, health, and my husband got a promotion. There's a wonderful job opportunity, a new one that I accepted. Kids are excelling at school. There's improved health in the family, all just because of Reva Ji. Reva Ji, thank you, thank you, thank you so much from the bottom of my heart. You're an angel who always think of others' happiness. You are the best. Thank you so much, Reva Ji. God bless you. Thank you so much, Vidya. Or yes, keep calling and keep consulting Reva Kumar. Reva Ji, how do you feel now? Oh, thank you, Vidya, and I'm so happy for you. रिनी की जैसे अभी विद्या ने जो भी अपने मेरे लिए बोला, सबसे पहले तो मैं उसका शुक्रिया तो अदा करूंगी, लेकिन उससे भी ज्यादा उसका जो फेथ था डिवाइन वास्तु के लिए, दैट वॉज रियली ऑसम। और उसकी सबसे बड़ी बात है कि जब मैंने उसको विजिट किया था, आई स्टिल रिमेम्बर कि दैट इज हार्डली एक महीना पहले की ही बात है, व्हेन आई विजिटेड एंड देयर वर सम प्रॉब्लम्स एंड आई वांटेड टू रेक्टिफाई देम एंड शी फॉलोड देम विद द हेल्प ऑफ डिवाइन टूल्स। उसको
करने के बाद में आई टोल्ड कि विद इन 11 डेज में कहीं ना कहीं से कोई नेगेटिविटी जो इस घर को और परेशान करने वाली है वो खत्म उभर के बाहर आएगी, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। 3 दिन के बाद ही प्रोडक्ट्स लगते उसको जॉब के लिए ले ऑफ के लिए बोल दिया गया। एंड पर उस लड़की का शी वॉज वेरी स्ट्रांग, उसका कॉन्फिडेंस था कि नहीं, शी रेवा जी टोल्ड मी कि भी ऐसा कुछ होगा लेकिन मेरे को कोई ना कोई अच्छा भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा। और उसने विद इन 1 month अभी उसको जैसे मिला शी कॉल मी कि यस यू आर राइट, अभी 11 दिन भी नहीं हुआ और मुझे ये आया है और नाउ आई वॉन्ट कि कोई मुझे कि कब कोई अच्छी जॉब के लिए। एंड आई सेड कि तुम्हारी जो चाहत है तुम्हारे को उससे बेस्ट ही मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। आई वॉज सो हैप्पी कि वन शी कॉल मी ओनली couple of days back and she said and she was so happy। ये विद्या की मैं आपको listeners क्या बताऊं कि जो उसकी मुस्कान जो उसकी आवाज थी वो मेरे लिए सबसे ज्यादा एक ये कह सकते हैं कि मेरी स्ट्रेंथ थी, मेरी एनर्जी थी कि उसको जहां पे वो चाहती थी उससे और भी अच्छी और बिल्कुल जिस जगह पे चाहती थी उसको वहीं पे ही अच्छी एक जॉब मिल गई। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि कई बार हम लोग अपने करियर में या कहीं पे कुछ ऐसी इश्यूज आते हैं या घर में आते हैं तो हमको हिम्मत नहीं हारनी है। अगर आपका फेथ है तो डेफिनेटली आप उस चीज को अचीव, अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। सिंपली वी हैव टू फॉलो देम विद द फुल फेथ, फुल स्ट्रेंथ के साथ आप उसको फॉलो अप करिए। और साथ में जब अगर मैं आपको प्रोडक्ट्स लगाती हूँ तो हमेशा याद रखिए कि वो प्रोडक्ट्स विद इन 11 डेज दे विल स्टार्ट वर्किंग। वर्किंग मीन्स कि कहीं ना कहीं कोई नेगेटिविटी आपके अराउंड होगी तो उसको जो वो आपको बहुत ज्यादा नुकसान देगी उसको बहुत कमती में बाहर निकाल के आपको अच्छे रिजल्ट देने शुरू कर देती है। सो विद्या थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू और 2014 आपके लिए ढेर सारी खुशियां आपके आपके परिवार के लिए लेकर आए। रेवा जी वैसे तो मैं बहुत सारे सवाल लेके आज प्रिपेयर हो चुकी थी बट हमारे साथ कॉलर्स जुड़ना चाहते हैं, लेते हैं अगले कॉलर को। हेलो यू ऑन एयर विद रेवा कुमार। Yeah, hi. This is Devika. Hi, Devika. It was nice to hear the previous caller's reviews. It's really great. Lekin I had this question ki abhi jaise abhi jis ghar mein hum log reh rahe hain, it's a rental house. So the door is like southwest, I guess. Yeah, pura southwest nahi hai, ek jagah pe dekha jaye to southwest dikhata banna, it's a west facing door. There were a lot of people who told us that, you know, it's not good, like, you know, not good to have a southwest facing door. Lekin my question is, like, jabse hum log is ghar mein aaye hain, to acha hi acha hua hai. We did have, like, you know, confidence in ourselves. We've never faced any wrong things. Matlab kuch hue hai, but there is mostly all good things happening. So how should we be taking this thing, like, you know, आप पहले आप मुझे ये बताएंगे कि कितना डिग्री बता रहे हैं आप अगर अपने एंट्रेंस पे खड़े होते हैं तो इट इज बिलो 220। आई एम नॉट श्योर ऑफ द डिग्री लेकिन कंपास लेके, डिजिटल कंपास लेके जब हम लोग देखते हैं सेंटर ऑफ द हाउस से वो वेस्ट दिखाता है लेकिन अगर मैं मेन डोर के पास खड़े रहूं तो इट शोज मी साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, साउथ वेस्ट आपका स्टार्ट होता है 220 डिग्री से। पहले तो आप ये देखिए कि क्या वो 220 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है, से लेके 240 तक में आ रहा है, तो दैट इज साउथ वेस्ट। आप कह रहे हैं कि जब से आप इस घर में आए हैं, दैट्स वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। कहीं पे जरूर आप ये जानने की कोशिश कीजिए कि अगर वो साउथ वेस्ट वाकई ही है तो मैं ये नहीं कहना चाहती कि मेरी बात सही निकले, तो आपको कहीं ना कहीं ये विद इन 21 months के बीच में और थर्ड ईयर के बीच में ये नेगेटिविटी लेकर आता है। ये भी हो सकता है कि आपका नॉर्थ ईस्ट प्रॉपर हो जो आपको अभी काफी हेल्प कर रहा है, या एनर्जी, या मनी है, रिलेशनशिप्स में बहुत अच्छे ग्रो कर रहे हैं। क्योंकि अगर साउथ फेस्ट फेसिंग है और हमारा किचन साउथ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट वी आर हैविंग अ ओपन स्पेस, तो हमारे को काफी ज्यादा नेगेटिविटी से हम बच सकते हैं। लेकिन अगर 220 डिग्री से बिलो आपका एंट्रेंस है, दैट इज नियर बाय 180 और 190, तो वो साउथ वेस्ट फेसिंग घर नहीं है, दैट इज टुवर्ड्स साउथ। ओके, तो
तो आप थोड़ा सा ये डिग्री को प्रॉपर जरूर चेक कीजिए, लेकिन आप हमेशा याद रखिए, कई बार ऐसा भी होता है डियर कि अगर हमारा नॉर्थ फेसिंग घर है या नॉर्थ ईस्ट है, हम सोचते हैं कि जी दैट इज वेरी गुड, जी हाँ, लेकिन अगर हमारा साउथ की तरफ नॉर्थ फेसिंग घर है और साउथ में वाटर एलिमेंट है या साउथ वेस्ट में वाटर एलिमेंट है, तो नॉर्थ फेसिंग घर भी हमें नुकसान देते हैं, और अगर हमारा घर साउथ फेसिंग है तो अगर हमारा नॉर्थ वहां पर ठीक है तो वो घर भी हमें फायदा देते हैं, लेकिन साउथ वेस्ट एंट्रेंस जरूर कहीं ना कहीं 21 महीने में अपनी नेगेटिविटी तो लेकर आती ही आती है। अच्छा, थैंक यू सो मच, थैंक यू रेवा जी, थैंक यू सो मच देविका। और आप भी हमें कॉल कर सकते हैं 5107701550। यू नो आई वॉज लिसनिंग टू देविकाज क्वेश्चन और मुझे लगा कि ये सारे के सारे बातें जो है ना, कभी कभी क्योंकि हम घर में अपने आईफोन या फिर एंड्रॉयड को खोलकर, स्मार्टफोन को खोलकर हम कंपस से देख लेते हैं कि क्या डिग्री है, पर काफी बार ये जो गैजेट्स है ना, ये हमें धोखा दे जाते हैं, और इसीलिए सबसे स्मार्ट बात तो यही है कि आप कभी कभी भी आप रेवा जी को अपने घर में बुला सकते हैं, अपने बिजनेस में बुला सकते हैं फॉर कंसल्टिंग, और नंबर है बहुत ही इजी 5108683338। रेवा जी लेते हैं अगले कॉलर। हेलो, यू आर ऑन एयर विद रेवा कुमार। नमस्ते जी। नमस्ते जी। क्वेश्चन है, हिंदवा वाटर फाउंटेन विच साइड सपोज टू बी फेसिंग? द वाटर फाउंटेन शुड बी ऑलवेज इन द नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ द हाउस, इट शुड नेवर बी इन द साउथ और साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट। अगर आप इसको नॉर्थ डायरेक्शन में रखेंगे तो दैट विल बी वेरी गुड। और खास तौर पे एक चीज जरूर ध्यान रखें कि अगर आप एंट्रेंस में वाटर फाउंटेन लगाते हैं नॉर्थ डायरेक्शन में, तो इट शुड ऑलवेज इन द राइट डायरेक्शन, मतलब राइट हैंड साइड। अगर आप दरवाजे पे खड़े हैं तो आपके राइट हैंड पे नॉर्थ की तरफ लगाइए, ना कि लेफ्ट हैंड पर। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। और जिस तरह से हमारे लिसनर्स बहुत ही यू नो धीमी आवाज में बातें कर रहे हैं, मुझे तो लग रहा है कि ऑफिस से छुप छुप के बातें कर रहे हैं, बट कोई नहीं जी, आप वहां से भी कॉल कर सकते हैं और आप घर पहुंच के भी रेवा जी के साथ एक अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। 5108683338 है इनका नंबर। अगर आप इनके बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं, जरूर चेकआउट करें divinevastu.net। वेल, अभी के अभी स्टूडियो लाइन्स आर ओपन 5107701550, और बहुत ही छोटे छोटे रेमेडीज आप अभी के अभी ले सकते हैं रेवा जी के पास से। ये भी बताना चाहती हूँ कि रेवा जी, काफी बार हमारे लिसनर यही सोचते हैं कि रेंटल प्रॉपर्टीज में हम रहते हैं तो कैसे हम वास्तु करें, बट यू नो सभी के लिए कोई ना कोई उपाय तो होता ही है। तो रेवा जी, अगले कॉलर को ले लूं? हाँ जी बिल्कुल ले हैं। हेलो, यू ऑन एयर विद रेवा कुमार। हेलो। यस गो अहेड सर। हेलो। Yes, go ahead, sir. Hello. I just want to find out about my I lost my job and just want to find out about for next year. I think your radio is on, sir. Can you turn down the radio? Okay. जी, सो रेवा जी, ही इज आस्किंग के आई थिंक ही लॉस्ट हिज जॉब, और वो यही पूछ रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। एम आई राइट सर? यस मैम। रीनी, जैसे कि इनका सवाल है कि दैट ही हैज लॉस्ट हिज जॉब, माइट बी ही इज स्लीपिंग इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में अगर आप सोते हैं तो आपको ना तो जॉब में प्रमोशंस मिलती हैं, ना ही आपको इंक्रीमेंट्स मिलते हैं, ना ही आपको स्टेबिलिटी मिलती है। तो जहां तक लगता है कि ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में या तो इनका ऑफिस होना चाहिए जहां पर घर से सोते होंगे, या घर में इन्होंने जो भी अपना सिटिंग का बनाया होगा, वर्क स्टेशन रखा होगा, कहीं वही नॉर्थ वेस्ट में तो नहीं रखा। तो मेरी आपसे यही एडवाइस है कि आप अपनी प्रॉपर डायरेक्शंस को देख के अगर मुझसे बात करेंगे तो मैं आपको सही सही एडवाइस दे पाऊंगी कि विच डायरेक्शन इज फेवरेबल फॉर यू, दैट आई विल लेट यू नो। और अगर आप सोचते हैं कि डायरेक्शंस के बारे नहीं जान के लिए बैठे, तो आप शो के बाद भी हमें कॉल करें, वी विल लेट यू नो। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल सर। और आप अगर रेवा जी से बात करना चाहते हैं, उनका नंबर है 5108683338। वेल, स्टूडियो लाइन्स आर ओपन और लेते हैं हमारे अगले कॉलर को। हेलो, हेलो, यू आर ऑन एयर विद रेवा कुमार। हेलो। हाँ जी रेवा जी, मेरा क्वेश्चन है कि मेरी जो जॉब है स्टेबल नहीं है। आई हैव कॉन्ट्रैक्ट जॉब और एक साल से मैं फरवरी में एक साल हो जाएगा, तो पक्के होने के चांसेस हैं या कोई कि नहीं? क्योंकि मेरे को लाइक तीन साल हो गए हैं लाइक
टेम्पररी जॉब्स ही मिल रही हैं, आई डोंट हैव लाइक रेगुलर स्टेबल जॉब। अगर आप सोचते हैं कि आपको जॉब के बीच में परमानेंसी नहीं मिल रही है और आप इसको परमानेंट होना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं, तो अपने घर के नॉर्थ की तरफ जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको भी बताना चाहूंगी और अपने बाकी लिसनर्स को भी, बिकॉज नॉर्थ रिप्रेजेंट्स द करियर एंड द एलिमेंट ऑफ नॉर्थ इज ऑल्सो वाटर। तो वाटर होगा तो उसका कलर क्या होगा, ब्लू होगा। तो अगर आपका होम घर पे या ऑफिस में नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ आप फेस करते हैं, या अगर आप घर के नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ एक मेटल का विंड चाइम हैंग कर दीजिए, तो आप याद रखिए कि आपको जरूर अपने जॉब में स्टेबिलिटी मिलेगी, कहीं परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो एक बार प्लीज बताना क्या करूं नॉर्थ में, क्या करूं मैं? आपका नॉर्थ की डायरेक्शन की तरफ में है, वहां पर अगर आप ब्लू कलर का लाइट लगा सकते हैं घर के नॉर्थ एंट्रेंस के ऊपर में, अंदर की तरफ ब्लू कलर का लाइट लगा दीजिए, नाइट बल्ब जो जलता रहे, या आप अपने स्टेबिलिटी लेने के लिए मेटल विंड चाइम होता है 5, 6 और 7 रोड का, घर के बाहर एंट्रेंस नॉर्थ की तरफ में अगर आप मेटल का विंड चाइम लगाएंगे तो आपको स्टेबिलिटी जरूर मिलेगी। ब्लू कलर का बल्ब लगा दूं अपने रूम में, आपने ये कहा ना? नॉर्थ डायरेक्शन में घर के अंदर की तरफ जहां भी आपका नॉर्थ दिखाई देता है वहां पर ब्लू कलर का नाइट बल्ब लगा दीजिए जो जलता रहे। अच्छा जी, और आपने दूसरा क्या क्या, विंड चाइम क्या था? ड्राइव मेटल का विंड चाइम होता है जो आवाज करता है 5, 6, 7 रॉड का होता है, उसको आप घर के बाहर लगाएंगे तो आपको फायदा करेगा। और भी डिटेल्स लेना चाहें तो आप मेरे शो के बाद भी कॉल कर सकती हैं। हाँ जी, वो मैं करूंगी। ब्लू कलर का हो जो भी वो भी? जी नहीं, वो रॉड का होता है, मेटल का होता है, वो ब्लू कलर का नहीं होता, उसमें रॉड्स लगी होती। कई बार देखते हैं ना म्यूजिक सुनाई देते हैं, आवाज आते हैं, चीं चीं की आवाज आती है, जो घर के बाहर उसको लगाने के लिए बोल रही, मेटल का वो लगाइए। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल रीवा जी। सभी लिसनर्स को यही कहना चाहूंगी कि काफी बार ऐसा होता है कि वे ड्राइव कर रहे होते हैं एंड इट्स काइंड ऑफ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और लिसन प्रॉपरली। क्यों ना आप शो के बाद रीवा जी के साथ एक फोन कर ले और एक अपॉइंटमेंट फिक्स कर ले। 5108683338 है इनका नंबर, और अगर आप रीवा जी के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो जरूर चेकआउट करें divinevastu.net। वेल रेवा जी, सभी को ये भी बताना चाहती हूँ दैट यू हैव बीन ऑनर्ड बाय प्रेसिडेंट ओबामा, और मैंने वो क्रिसमस कार्ड भी देख लिया जो प्रेसिडेंट ओबामा ने व्हाइट हाउस से आपको भेज दिया है। इट्स सच एन अमेजिंग थिंग, इट्स रियली ब्यूटीफुल। जब मेरे को आया तो मैं तो कितनी देर तक उस कार्ड को ही देखती रही, बहुत ही अच्छा लगा। एंड थैंक्स टू प्रेसिडेंट ओबामा फॉर दिस। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर सम लिसनर्स टू टेल थैंक्स, क्योंकि इनके पास एक सवाल है और आप जवाब देने वाले हैं। लेते हैं अगले कॉलर को। हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा कुमार। हेलो, नमस्ते जी। नमस्ते जी। मैं पूछना चाहता हूं कि पीकॉक के फेदर अगर आते ना वो फ्लावर बेस में रख सकते हैं? अगर पीकॉक को फेदर को अगर आप नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में लगाइए, लेकिन उसको काटे नहीं, पूरा का पूरा फेदर हो, उसको पेयर में होना चाहिए, नॉर्थ वेस्ट बेडरूम में लगाइए या आप नॉर्थ वेस्ट वॉल पे लगाइए, बिकॉज दैट इज रिलेटेड विद एयर एलिमेंट। तो इससे आपका एयर एलिमेंट सिस्टम होगा, तो आपको इमोशनली जो अपने आप को स्टेबिलिटी आप अपने अंदर लेकर आएंगे, साथ में इट इज वेरी गुड फॉर बच्चों के लिए भी। नॉर्थ वेस्ट? नॉर्थ वेस्ट दीवार पे लगाना, पेयर के साथ में? हाँ जी, पेयर का लगाइए, दो ले लीजिए पीकॉक फेदर्स बड़ा वाला, उसको फ्रेम करके या किसी अरेंज करके उसको आप नॉर्थ वेस्ट वॉल पे लगा दें। थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल, और आप भी हमें कॉल कर सकते हैं 5107701550, यानी कि 5107701550 है हमारा नंबर, और आप अभी के अभी रेवा जी के साथ बातें कर सकते हैं अबाउट योर वास्तु नीड्स। लेते अगले कॉलर। हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा कुमार। हाय रेवा जी। जी हाँ, बताएं। नमस्ते रेवा जी, मुझे आपसे पूछना था, हम लोग एक घर देख रहे हैं लेने के लिए, लेकिन जो भी घर देखते हैं वो उसका एंट्रेंस साउथ में आता है, साउथ वेस्ट में आता है या फिर वेस्ट में आता है, तो ऐसा है क्या कि हम ऑफर लिखे घर हो गया उसके बाद हम वास्तु उस पर कर सकते हैं? ऐसा है, कहीं पे भी अपने दिमाग को बिल्कुल परेशानी रखिए। अगर आपको वेस्ट फेसिंग घर मिलता है या साउथ में भी फेसिंग घर मिलता है या साउथ वेस्ट भी किसी वजह से मिल रहा है, तो आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं डायरेक्शंस को। वेस्ट फेसिंग पूरा अगर आप अंदर लेते हैं 320 के पास में, 340 तक में, तो ये वेस्ट फेसिंग घर आपको फायदा देगा। सिर्फ आपको क्या ध्यान देना है, साउथ वेस्ट एंट्रेंस, और कहीं पर अगर आप लगते हैं कि हम साउथ वेस्ट एंट्रेंस नहीं रखना चाहते, रखना भी
करनी चाहिए, दैट इज नॉट एडवाइजेबल, तो हम उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। हम अपना डायरेक्शन घर का एंट्रेंस डोर चेंज भी कर सकते हैं। किसी वजह से एंट्रेंस डोर भी नहीं चेंज कर सकते, देन ऑलवेज रिमेम्बर डिवाइन वास्तु इज देयर टू टेक कर, उसको हम नॉर्थ साउथ वेस्ट को रेक्टिफाई कर बिना उसको छेड़े, बिना उसको रिनोवेशन किए हुए हम उसको प्रॉपर भी कर सकते हैं। लेकिन जनरली फिर भी एडवाइस दूंगी कि अगर आप साउथ वेस्ट अवॉइड करें तो ठीक है, अदरवाइज यू कैन गो हैड फॉर द साउथ और वेस्ट डायरेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। लेते अगले कॉलर। हेलो, यू ऑन एयर विद रीवा कुमार। हाय, नमस्कार। नमस्कार जी। हेलो। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो स्टेयर्स के नीचे बाथरूम रहता है उसके लिए फिर क्या करें, क्योंकि हम वो यूज तो नहीं कर रहे हैं। बट डियर, अगर आप मुझसे सवाल इस चीज के लिए करें तो मेरी आपको पर्सनली एडवाइस है कि अगर स्टेयर्स के नीचे रेस्ट रूम है आप उसको ना ही यूज करें तो बेस्ट है। दैट इज दी बेस्ट। दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस फ्रॉम लास्ट 33 इयर्स आई एम इन दिस फील्ड एंड आई हैव डन माई रिसर्च, आई एम गोइंग टू गेट माई डॉक्टर। ये कहती हूँ कि स्टेयर्स के नीचे बाथरूम की मैं रेमेडीज देने के बाद में भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि उसके जो रिजल्ट्स हैं बहुत नेगेटिव हैं। तो इट्स माय पर्सनल एडवाइस टू यू कि अगर आप उसको बंद करके वाटर एलिमेंट को हटा दें और उसको आप एज ए स्टोरेज यूज करेंगे, दैट इज गुड। अच्छा, और मतलब वो तो यूज बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं, और ये मतलब वास्तु का जो है कितने टाइम में ये नेगेटिव इफेक्ट देता है, क्योंकि अब तक तो हम रेंट में रह रहे थे तो मोस्टली 1 ईयर के बाद हम वहां पे नहीं रहे ऐसे घर में, बट ये नेगेटिव इफेक्ट कब तक जैसे पता चलेगा कि ये नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है? हम इसका तो यूज बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। जो भी ऑनर है उनको कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट मिल जाना चाहिए 21 महीने के बीच में। थर्ड ईयर और फिफ्थ ईयर बहुत क्रूशियल होता है। अब आ जाता है कि अगर आप एज ए टेनेंट रह रहे हैं, आप रेंटल रह रहे हैं, अगर आप रेंटल रह रहे हैं तो उसका कहीं ना कहीं साथ में साइड इफेक्ट आपको भी थोड़ा सा लेना पड़ सकता है, जिसका इफेक्ट फिर वही कि 21 मंथ्स में अगर आप देख रहे हैं कि ऑनर ने ये 5 साल से प्रॉपर्टी लिया हुआ है, 7 साल से प्रॉपर्टी लिया, तो उसको इसका इफेक्ट आना शुरू हो गया होगा। और रहे आने हमें अभी जस्ट मूव हुए हैं, बिल्कुल नया ही है, और ये एक है कि स्टेयर्स के नीचे ये बाथरूम है, तो यही सबसे बड़ा मतलब मुझे लग रहा था। तो हम अभी तो वो बिल्कुल यूज ही नहीं कर रहे हैं, तो और उसके लिए क्या करें? आप उसको ना ही यूज करके उसके डोर के ऊपर में अंदर बाहर एक मिरर लगा दीजिए। अच्छा, और इसके मतलब बिल्कुल जो नॉर्थ वाला जो रेस्टरूम है उसमें पूरा बड़ा सा मिरर है, तो फिर इसका अच्छा तो इसके अंदर और बाहर में अगर नॉर्थ वॉल के ऊपर में मिरर है तो वो तो ठीक है, उसका कोई नुकसान नहीं देगा, लेकिन जो स्टेयर्स के नीचे बाथरूम है उसके दरवाजे पे अंदर बाहर दो बैक टू बैक एक आप मिरर लगा दीजिए ताकि उसकी नेगेटिविटी और भी खत्म हो, आपको किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। लेते अगले कॉलर। हेलो, यू ऑन एयर विद रीवा कुमार। थैंक्स फॉर टेकिंग माई कॉल। नमस्ते रेवा जी। नमस्ते जी। जी, मेरा प्रश्न है कि हमें काफी टाइम हो गया यहाँ पर यूएस में आकर, लाइक ऑलमोस्ट 7 इयर्स, बट एवरी टाइम विल बी जस्ट मूविंग अराउंड। लाइक मेरे हस्बैंड का प्रोजेक्ट एक जगह रहता नहीं, सो एवरी टाइम विल बी गेटिंग अ ट्रांसफर एंड ऑल, सो बच्चों का भी स्टडी डिस्टर्ब हो रहा है, सो व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? मैं तो यही बताऊंगी कि अगर आपको स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है तो जरूर आप नॉर्थ वेस्ट की तरफ ही ज्यादा से ज्यादा घूम रहे हैं, या तो आपका बेडरूम हर जगह पे जाते हैं तो नॉर्थ वेस्ट मिल जाता है जो आपको स्टेबल नहीं होने देता, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट इज रिलेटेड विद द एयर एलिमेंट, ये आपको एक जगह नहीं रहने देगा, या आपका घर का एंट्रेंस डोर भी अगर नॉर्थ वेस्ट होगा तो भी आपको आपको पैसा जरूर आएगा नॉर्थ वेस्ट एंट्रेंस घर के बीच में, लेकिन आप स्टेबल नहीं होंगे इधर से उधर। एक कहते ना कि जैसे पहिया घूमता है वैसे ही आप घूमते रहेंगे। तो मेरी आपसे यही एडवाइस है कि या पहले आप अपना डेट ऑफ बर्थ भेजिए, लेट मी सी विच डायरेक्शन इज फेवरेबल फॉर यू, उसी को ही एनहेंस करके हम आपको डायरेक्शन बताएंगे। लेकिन फॉर अ टाइमिंग मैं आपको एक रेमेडी देना चाहूंगी कि आप कोशिश करिए कि आपका घर का जहां पे भी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है वहां पे कॉन्च, जिसको बोलते हैं ना शंखनी बोलते कॉन्च बोलते हैं, छोटा सा ले लीजिए और उसको वहां पे घर के अंदर रख दीजिए किसी भी टेबल के ऊपर में, तो वो आपको थोड़ा स्टेबल करना शुरू कर देगा। अदरवाइज ईमेल मी योर डेट ऑफ बर्थ, योर हस्बैंड डेट ऑफ बर्थ, लेट मी गो थ्रू अकॉर्डिंग टू वास्तु कुंडली चार्ट विच डायरेक्शन इज फेवरेबल फॉर यू,
स्टेबिलिटी है. ओके, थैंक यू सो मच रेवा जी. थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल. और अगर आप भी रेवा जी के साथ बातें करना चाहते हैं तो अब भी हमें कॉल करें 510-770-1550. अगर आप शो के बाद रेवा जी के साथ बातें करना चाहते हैं तो उनका नंबर नोट कर लीजिए 510-868-3338. या फिर आप रेवा जी के बारे में और भी ज्यादा जानकारी के लिए जरूर चेकआउट करें divinevastu.net. साथ ही साथ अगर आप रेवा जी को ईमेल करना चाहते हैं देन द ईमेल आईडी इज divineavc@gmail.com. और अगर आप वास्तु और डिवाइन वास्तु के बारे में रेवा जी का जो भी नॉलेज है उनके बारे में भी जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली चेक द ब्लॉग बाय रेवा जी. वेल, रेवा जी ज्यादा टाइम तो नहीं है पर एक लास्ट कॉलर को लेना चाहती हूँ एंड इफ यू नो यू परमिट. जी हाँ, बिल्कुल क्यों नहीं. हेलो, यूर ऑन एयर विथ रेवा कुमार. गुड, आई वुड लाइक टू नो because she keeps talking about directions and over the phone it's not that. If she has to come to somebody's house, what are her fees? See, for that, my dear, if you visit my website, that is divinevastu.net, I have mentioned each and everything. And you are right, because we always say, you know, on radio, if you are asking me any question, that is according to your directions, which direction you are giving me, it means you are aware about the directions of your house or your business or workplace. According to that, we are giving you the remedies. But if I visit, then I am very much confirmed that the direction which I am looking, that is correct. And for fees, for everything, you kindly visit divinevastu.net. Well, Reva ji, bus aur ek do minute hi baki hai, but ek caller hai, bahut der se try kar rahe, unko nirash nahi karna chahenge, to lete hain unko bhi on air. Okay, to हेलो. ओके, तो उनको खुद ही लगा होगा कि उनका सवाल इतना ज्यादा गंभीर है कि यू कैन नॉट फिनिश इट इन टू मिनट्स. बट हेलो, यू आर ऑन एयर विद रेवा कुमार. हाय, गुड मॉर्निंग रेवा जी. मुझे एक सवाल पूछना था. मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ. जब हम घर देखते हैं तो वो जो लैंड होता है, जैसे बैक यार्ड और सामने यार्ड होता है, आप जब डायरेक्शन देखते हैं तो वो सबको अकाउंट करते हैं या सिर्फ घर के अंदर खड़े होके यू चेक एरिया? नहीं नहीं नहीं, लॉर्ड का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. दिस इज अ वास्तु. वास्तु ही तो है. वास्तु इज रिलेटेड विद द आउटर स्ट्रक्चर, दैट इज द प्री. उसको आपको देखना है हमेशा लैंड के ऊपर में. पहले आप अपना लैंड का देखिए. अगर आप लॉट लेने जा रही हैं तो आप अपनी लैंड का जरूर देखिए कि कहाँ किस डायरेक्शन को इट इज फेसिंग. अगर आप बिल्टअप घर ले रही हैं तो भी आप अपने घर का फेसिंग भी देखिए और घर के दरवाजे का मेन एंट्रेंस डोर का भी फेसिंग चेक करें. अच्छा अच्छा अच्छा, तो सब पूरी पूरी एरिया को आप कंसिडर करती हैं ना? जी हाँ, उस एरिया को जितने जो लॉट आप ले रहे हैं, इवन कि हम लोग तो स्ट्रीट को भी फोकस करते हैं, सिटी को भी फोकस करते हैं. अगर हम पूरा डिटेल्स में देखें तो मैं हर चीज को फोकस करती हूँ. यहाँ तक देखती हूँ कि मुझे अगर नॉर्थ में कितने डिस्टेंस पे सामने से हिल नजर आ रही है. वी हैव टू सी ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि आपको पूरी पॉजिटिव एनर्जी देनी है और ये फाइव एलिमेंट्स ऐसे हैं कि जिनको हम कहीं पे भी इग्नोर नहीं कर सकते. अगर पीछे साउथ एरिया या साउथ में पूरा यार्ड है तो खुला यार्ड है, तो उसको कैसे आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं? आप उसको, देयर इज नथिंग टू वरी. आप उसको प्रॉपर वहां पर वुडन पैटियो बना सकते हैं, क्योंकि अर्थ इज रिलेटेड विद द वुड. वहां पर वुड को जगह दीजिए, वहां पे लैंडस्केपिंग कर सकते हैं, रॉक गार्डन बना दीजिए. वाटर को अवॉइड करना है साउथ साउथ वेस्ट में. बड़े बड़े ट्रीज को लगा दीजिए. अगर उसका फ्लोर लेवल कम है तो उसको हम लोग वुडन प्लेटफॉर्म बना के रेज भी कर सकते हैं. और कहीं पे अगर हम ये सब कुछ नहीं करना चाहते तो देन डिवाइन वास्तु इज देयर. हम आपको ऐसे टूल्स देते हैं जिनको आप जमीन में डिग करेंगे विद द कमांड कस्टमाइज करके, ताकि उसका लेवल उसका रेज कर दिया जाए. थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल. और रीवा जी, हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है. आई एम रियली सॉरी, पर खुशी की बात तो यही है कि वे फिर से आपसे जुड़ सकते हैं कल, यानी कि हर थर्सडे की तरह कल भी आप आने वाले हैं लेके डिवाइन वर्ल्ड ऑफ वास्तु एंड एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी 2 से 4 बजे तक, और 3 से 4 इज एक्सक्लूसिवली फॉर वास्तु. थैंक यू सो मच रीवा जी फॉर योर टाइम. थैंक यू रीनी, थैंक यू लिसनर.
तो ये थे हमारे साथ रेवा कुमार, और डेफिनेटली आप इनके साथ जुड़ सकते हैं बाय कॉलिंग 5108683338। वेल, आज के लिए बस इतना ही। चलते चलते मॉर्निंग कॉफी में, कॉफी कप में अब और कॉफी नहीं बाकी, पर कोई बात नहीं, फिर मिलेंगे कल सुबह सुबह 10 से 11 लेके आऊंगी चलते चलते मॉर्निंग कॉफी। तब तक कहीं मत जाइए, खुश रहिए, फिट रहिए, घूमते फिरते रहिए और हमेशा कहते रहिए जिए जा। Harmonize your life with the principles of Vastu Shastra and make every moment of your life a celebration. With Vastu, life becomes an utsav. Visit divinevastu.net. Dr. Reva Kumar, your Vastu specialist.